Good morning, students. This is your English class. Today in this class, we are going to start chapter 10 in your English literature book. So, students, let's open page number 54 in your English literature book. Now, see on the top of the page. There is chapter 10. Chapter 10 is about the topic, a place fit for gods to marry. Okay, the topic is here in chapter 10, a place fit for gods to marry. So students, now start read. Name your favorite temple. Why is this temple your favorite? You have to tell the name of your favorite temple. Okay, you have to tell the name of your favorite temple, and you have to tell why is this temple is favorite for you. Okay, now read the topic. The city of Nectar or Madhura Puri is none other than Madurai, the oldest city of Tamil Nadu. The city of Nectar or Madhura Puri. वो मधुराई का दूसरा नेम है, है ना? जो मधुराई है उसका दूसरा नेम है द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुरा पुरी, जो कि तमिलनाडु का ओल्डेस्ट सिटी है. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मधुराई. इस मधुराई को लेकर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज है, ठीक है? इस मधुराई को लेकर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज है. इट इज बिलीव्ड दैट सम वेनम हैड फॉलन ऑन मधुराई फ्रॉम लॉर्ड शिवाज स्नेक. इट इज बिलीव्ड दैट सम वेनम हैड फॉलन ऑन मधुराई फ्रॉम लॉर्ड शिवाज स्नेक. ये माना जाता है या ये बिलीव किया जाता है कि लॉर्ड शिवाज का जो स्नेक है उससे कुछ भेनम इस मधुराई में गिरा था. ओके, ये माना जाता है कि लॉर्ड शिवाज का जो स्नेक उससे कुछ भेनम या जहर मधुराई में गिरा था. सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रेसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन. इसीलिए लॉर्ड शिवा ने अपने जो क्रेसेंट मून है उससे कुछ नेक्टर उधर डाल दिए थे उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इन इफेक्टिव करने के लिए, उस पॉइजन को हार्मलेस करने के लिए लॉर्ड शिवा ने अपने क्रिसेंट मून से कुछ नेक्टर उधर डाल दिए थे. ओके, अगेन आई एम टेलिंग द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंसा. द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुरा पुरी, जिसको हम मधुराई नाम से जानते हैं, वो तमिलनाडु का ओल्डेस्ट सिटी है. ओके, और इस सिटी को लेकर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज है. उनमें से ऐसा एक स्टोरी है कि ये माना जाता है कि लॉर्ड शिवाज, है ना, लॉर्ड शिवाज जो स्नेक रहता है उससे कुछ भेनम या जहर उधर गिर गया था. ओके, इसीलिए लॉर्ड शिवा ने अपने क्रिसेंट मून से, क्रिसेंट मून मींस आप देखते हो लॉर्ड शिवा के पास एक हाफ एंड मून रहता है. आप पिक्चर में देखे हो शायद, जो क्रिसेंट मून है, जो हाफ एंड मून रहता है उनके पास, उस मून से लॉर्ड शिवा ने कुछ नेक्टर उधर डाल दिए थे उस भेनम का जो पॉइजन है उसको इन इफेक्टिव करने के लिए, उसको हार्मलेस करने के लिए. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट स्टैंजा. वन ऑफ द
Other myths about Madurai is that it is surrounded by a snake with its tail in its mouth. मधुराई को लेकर और एक myths है जो कि एक स्नेक से ये मधुराई सराउंडेड था और उसका जो टेल था इसके माउथ में था, ठीक है। और एक मिथ से मधुराई को लेकर कि एक स्नेक से ये मधुराई सराउंडेड था जिसका टेल इसके माउथ में था। When someone comes to attack मधुराई, the snake changes them into stone। जब कोई इस मधुराई को अटैक करने आए हैं, तब ये स्नेक इसको स्टोन में बदल दिए हैं, ठीक है। जब कोई इस प्लेस को अटैक करने आए हैं, तब स्नेक इसको स्टोन में बदल दिए हैं, ठीक है। ये था दोनों मिथ मधुराई को लेकर। Okay, so students, you have to study to this portion. In the next class, we will study the next part of this chapter.